जो कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट कैसे खोले, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको जाना होगा और वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो वहां पे हमने नॉमिनी का बात नहीं कही थी, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि नॉमिनी क्या होता है और नॉमिनी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये नॉमिनी क्या है। आपने अगर किसी भी बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक ही नहीं, किसी भी बैंक में आपने अगर एक अकाउंट खोल लिए, अगर आपकी डेथ हो गई, आपकी यानी कि मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आपकी पैसा किसको मिलेगा? जिसको आपने नॉमिनी दी है वो व्यक्ति ही वो पैसा ले पाएगा, वो पैसा निकाल पाएगा, अदरवाइज कोई भी निकाल नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। नॉमिनी क्या होता है वो तो आपने जान लिए। दोस्तों नॉमिनी में आप किसी को भी दे सकते हैं, आपके बेटे को दे सकते हैं, आपकी बेटी को दे सकते हैं, आपके हस्बैंड को दे सकते हैं, आपके वाइफ को दे सकते हैं, आपके फादर मदर जो भी हो आप दे सकते हैं। तो इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं टैक्स सुमन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक का नॉमिनी का फॉर्म। दोस्तों आपको क्या करना होगा, ब्लैक इंक का इस्तेमाल करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉमिनी का बैंक का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आई हुई जो भी, मतलब जिसका भी नाम पे यहाँ पे बैंक अकाउंट खुल रहा है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रांच है बैंक अकाउंट का, जो ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट सीन पे क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पे ये बॉक्स पे राइट सीन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट, किस तरीके का आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, नॉमिनी का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ तो उस बैंक अकाउंट होल्डर का वो यहाँ पे लिख देना है। जिसके नाम पे अकाउंट हो रहा है उससे क्या रिलेशन है नॉमिनी का यहाँ पे लिखना है। फादर मदर सिस्टर डॉटर वाइफ हस्बैंड जो भी हो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसकी एज लिखना है, उसके यार लिख देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉमिनी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एज लिखना है और यहाँ पे यार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका साइन होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी साइन होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा फर्स्ट विटनेस का, एंड नाम होगा, एड्रेस होगा यहाँ पे सेकंड विटनेस का, नाम सिग्नेचर एंड एड्रेस होगा। और यहाँ पे ये वाला बॉक्स में आपको सिग्नेचर कर देना है अकाउंट होल्डर का, और यहाँ पे भी सिग्नेचर कर देना है अकाउंट होल्डर का, और जिस दिन पे देंगे उस दिन का यहाँ पे डेट लिखना है, और यहाँ पे प्लेस आप किस जगह से दे रहे हैं वो जगह का नाम दे देना है। एंड उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर होगा अकाउंट होल्डर का दोनों ही में, और यहाँ पे प्लेस होगा, प्लेस का नाम, और यहाँ पे जिस दिन पे सबमिट करेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट होगा। यहाँ पे ऊपर पे नॉमिनी का नाम होगा जिसको आप नॉमिनी देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी एज होगा, उसके बाद यहाँ पे उसकी यार होगा, एंड यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा उस नॉमिनी का अकाउंट नंबर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे आपकी नाम होगा। तो ऐसे ही करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का नॉमिनी फॉर्म फिलअप। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।